तो क्राउन ज्वेल 2021 में ट्राइबल चीफ का आमना सामना होने वाला है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, अगर रोमन इस टाइटल बचा लेते हैं डीमन फिन बैलर के हाथ से, तो क्या लेसनर एक बड़ा कांटा बन सकते हैं और वो उखाड़ फेंक सकते हैं आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी को, और क्या वो बन सकते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो रिसेंटली इसको लेकर कुछ बड़े स्पॉइलर आ चुके हैं सामने और उसके बारे में हम लोग करेंगे बात कि इस मैच में किसकी विक्ट्री होगी। कीथ ली ने भी अपना पूरा लुक कर लिया है चेंज और न्यू लुक के साथ हमें कीथ ली रिसेंटली सुपर शो में कंपीट करते हुए नजर आए। रोमन रेंस की भी काफी कमाल की इंप्रेसिव स्ट्रीक बन चुकी है और WWE ड्राफ्ट 2021 को लेकर भी कुछ बड़े स्पॉइलर आ चुके हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं बास्क इन द ग्लोरी द लिमिटलेस कीथ ली के साथ में, और कीथ ली ने भी एक बार फिर से अपना जो NXT वाला लुक है वो ले आए हैं मेन रोस्टर के अंदर वापस, क्योंकि भाई कीथ ली अपने अब चिकने लौंडे नहीं रहे, उन्होंने क्लीन शेव हटा के रख लिए दाढ़ी। अब जो फोटो आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने, ये रिसेंटली WWE के लाइव इवेंट यानी कि सुपर शो की फोटो है, और कीथ ली का जो बियर्ड लुक है वो एक बार फिर से वापस आ चुका है और मेन रोस्टर के अंदर कीथ ली अब एज बियर्ड लुक में हमें दिखाई देंगे। अब मैं बात करूं NXT के टाइम के बारे में, तो उस टाइम कीथ ली का ये वाला लुक मुझे सही में काफी खतरनाक लगा था। लेट्स सी मेन रोस्टर के अंदर कीथ ली का हील टर्न ह्यूमर था, तो क्या बियर्ड कीथ ली का मतलब ये है कि जो कीथ ली का हील टर्न है वो सक्सेसफुल वे में हो चुका है और कीथ ली बन चुके हैं एक हील सुपरस्टार, क्योंकि क्लीन शेव में कीथ ली इतने ज्यादा खतरनाक लग नहीं रहे थे, लेकिन भाई बियर्ड वाले लुक में सही में बता रहा हूं कीथ ली एक हील सुपरस्टार की तरह ही लगते हैं और एक मॉन्स्टर पुश WWE ने देगी एज हील सुपरस्टार। वैसे भी फिलहाल जो कीथ ली है वो हमें डार्क मैचेस के अंदर कंपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सुपर शोज में कंपीट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी चेंज लुक का मतलब ये है कि उनका जो टीवी टेलीविजन टाइम है वो भी वापस आने वाला और कीथ ली हमें रॉ के अंदर धमाल कमाल मचाते हुए नजर आएंगे। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है, और रिसेंटली रोमन रेंस को लेकर काफी इंप्रेसिव स्टैट्स आ चुके हैं सामने, क्योंकि भाई जो रोमन रेंस की विनिंग स्ट्रीक है वो काफी ज्यादा लंबी जा चुकी है, क्योंकि पिछले 643 डेज से रोमन रेंस को किसी ने भी पिन नहीं किया है, इसमें वो भी टाइम पीरियड इंक्लूड है जो कि उनका ट्राइबल चीफ से पहले वाला था, क्योंकि हमने देखा उससे पहले भी रोमन रेंस की कह सकते विनिंग स्ट्रीक टाइप की चली आ रही थी, क्योंकि उन्होंने गोल्डबर्ग का फेस करना था रेसलमेनिया के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तो WWE उनको उस चीज के लिए बिल्ड कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में रोमन रेंस WWE को लीव करते हैं और फिर रोमन रेंस नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ आता है वापस, और उनकी जो ये विनिंग स्ट्रीक है वो अभी तक कंटिन्यू है और अभी तक रोमन रेंस को पिछले 643 डेज से बिल्कुल भी पिन नहीं हुआ है। जरूर है काफी कमाल की इंप्रेसिव स्ट्रीक है, ये बताता है कि WWE को एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंस पता है ट्राइबल चीफ की, वो जानते हैं कि ट्राइबल चीफ अभी फिलहाल उनके लिए एक रेटिंग ड्रॉ सुपरस्टार है और आने वाले टाइम में रोमन रेंस जैसे ही हमें धमाल और कमाल करते हुए नजर आएंगे। एंड कांग्रेचुलेशंस रोमन रेंस को इस कमाल की अभी तक की कंटिन्यूइंग विनिंग स्ट्रीक को लेकर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और जो आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो WWE ड्राफ्ट 2021 के बारे में जुड़ी है, और रिसेंटली ड्राफ्ट को लेकर कुछ काफी सारी बातें चल रही थी कि लेसनर हमें रॉ के अंदर ड्राफ्ट होते हुए नजर आएंगे, जो एज एंड सेथ रॉलिंस है वो भी रॉ के अंदर जाने वाले हैं, मे बी एज स्टाइल्स आ सकते हैं स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन कुछ और बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं सामने रिंग साइड न्यूज की तरफ से, और रिंग साइड न्यूज का ये मानना है अभी फिलहाल जितने भी आइडियाज आए हैं सामने, लेसनर को रॉ में भेजना, मैकइंटायर को स्मैकडाउन में भेजना, एज स्टाइल्स को लेकर, आरके ब्रो को लेकर, ये जो सारी चीजें भी फिलहाल ड्राफ्ट के यानी कि टेबल के ऊपर जस्ट रखी जा रही है, ये चीजें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है अभी फिलहाल, कोई एक्यूरेट प्लान कोई कंफर्मेशन वाले प्लान WWE ने बिल्ड नहीं किए हैं अपने ड्राफ्ट के लिए। माना जा रहा है एक्सट्रीम रूल्स 2021 जो बात WWE है इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेगी, और भाई दिन ही कितने बचेंगे, आगे से 4 से 5 दिन हार्डली WWE को मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ WWE मैनेज करेगी उन्हीं दिनों में WWE ड्राफ्ट 2021 की लिस्ट को प्रिपेयर करना। तो लगे ऐसा रहा जान उसके जो WWE है जस्ट हवा बनाने का ट्राई कर रही है कि ड्राफ्ट के अंदर लेसनर जाएंगे मंडे नाइट रॉ में, लेकिन अभी फिलहाल खुद उन्होंने कोई कंफर्मेशन प्लान जो है तैयार किए नहीं है। लेट्स सी WWE ड्राफ्ट 2021 की जो लिस्ट है किस तरीके की होती है। ये WWE के पास एक बहुत ज्यादा बेहतरीन मौका है कि वो चीजों को स्टेबलाइज कर सके दोनों ब्रांड्स के अंदर, और दोनों ब्रांड्स एक बार फिर से सबसे ऊपर पहुंच सके। ऑलरेडी स्मैकडाउन काफी कमाल का कर रहा है, लेकिन यस रॉ को काफी बड़े चेंजेस के रिक्वायर्ड है। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो क्राउन ज्वेल 2021 के बारे में जुड़ी है। क्राउन ज्वेल 2021 का जो पॉसिबली मेन इवेंट मैच होगा वो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर होने वाला है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अभी फिलहाल एक्सट्रीम रूल्स 2021 में जरूर रोमन रेंस और डीमन फिन बैलर का आमना सामना होगा, लेकिन बेटिंग ऑड्स के हिसाब से वहां पर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, यानी कि सीधा
है इसका मतलब ये, फिर वो क्राउन ज्वेल के अंदर अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। अब बात आती है क्या रोमन रेंस टाइटल हारेंगे या फिर लेसनर बनने वाले हैं न्यू चैंपियन। तो इसको लेकर कुछ बड़ी स्पेकुलेशन आ चुकी है रिसेंटली निकल कर सामने। स्पेकुलेशन का मानना ये है कि रोमन रेंस इस मैच में टाइटल को बिल्कुल भी हारने वाले नहीं है। एकदम सही सुन रहे, चाहे पॉल हेमन बिट्रे करें लेसनर को, वैसे बिट्रे क्या करना, वैसे भी उनकी साइड तो है नहीं जानबूझ के, वो हमें इनैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो दोनों की साइड है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा सीन होगा नहीं, बल्कि क्राउन ज्वेल के अंदर पॉल हेमन वो रीजन बन सकते हैं जिसके कारण जो रोमन रेंस हैं वो हमें अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आए। बाय हुक और क्रूक किसी भी तरीके से जो रोमन रेंस है वो क्राउन ज्वेल के अंदर स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन रहने वाले हैं। और अभी फिलहाल जो पॉसिबल स्पेकुलेशन आ रही हैं सामने, उनके अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 38 फिर वो जगह हो सकती है जहां पर एक और रीमैच होगा रोमन वर्सेस ब्रॉक के बीच में, और वहां पर मे बी अगर रोमन के पास टाइटल होगी तो लेसनर न्यू चैंपियन हमें बनते हुए नजर आएंगे। ये कुछ अभी फिलहाल जो WWE बड़े प्लान है वो कंसीडर कर रही है। देखो कंफर्मेशन प्लान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मे बी हो सकता है कल ही प्लान चेंज होते हुए नजर अगले हफ्ते चेंज हो जाए, या फिर रेसलमेनिया के अराउंड जब चीजें WWE को लगे कि भाई लेसनर ने ये बंदा ज्यादा अच्छा कंटेंडर है रोमन रेंस का, तो उसके खिलाफ मैच मिल जाए रोमन रेंस को। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल स्पेकुलेशन के हिसाब से क्राउन ज्वेल 2021 के अंदर भी ट्राइबल चीफ स्टिल रिटेन करने वाले हैं अपनी यूनिवर्सल टाइटल। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन, आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या आपके हिसाब से अगर ऐसा होता है क्राउन ज्वेल में तो WWE का ये सही डिसीजन होने वाला है। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज की जो वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग कर सकते हो नीचे वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन आने वाले टाइम में। ऐसी और भी काफी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।